नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। देश दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है, जो एक वर्तमान समय की महत्वपूर्ण समस्या कही जा सकती है और जिससे निपटने के लिए दुनिया भर के लोगों के द्वारा, दुनिया भर के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के द्वारा तोड़ निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सियासी बवाल भी उफान पर है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, किसान एक ऐसा समाज या एक ऐसा तबका जिसके ऊपर देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, जिसके ऊपर देश का स्वाभिमान टिका होता है और जिससे होने से हम हैं, ये राजनीति है या फिर मानव समाज है। कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर के आज हम जिन लोगों से चर्चा करने वाले हैं अपने चैनल पर, वो प्रथमतः एक किसान हैं, दूसरी नज़र में देखें तो स्वदेशी आंदोलन से भी जुड़े हुए लोग हैं और इसके साथ ही साथ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं देश में चल रही गतिविधियों के साथ ही साथ, चाहे वो राजनैतिक परिदृश्य हो, आर्थिक परिदृश्य हो या फिर कृषक जीवन हो, सबसे प्रभावित होता है। तो आइए हम स्वागत करते हैं अपने द खबरदार न्यूज़ पर सबसे पहले के अग्रवाल जी का। के अग्रवाल जी के परिचय की बात करें तो के अग्रवाल जी किसान सेना के संरक्षक सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ भारत देश के साथ सबसे पुराने कृषक संगठन, भारतीय कृषक संगठन के मध्य प्रदेश के महाकौशल प्रांत के अध्यक्ष भी हैं। और इसके साथ हमारे बाएं तरफ आप देख रहे हैं देसी जी कहे जाते हैं, इनका मूल नाम जितेन कुमार पटेल जी हैं और यह भी भारतीय कृषक सेवा सेना के सदस्य हैं। साथ ही साथ राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्वागत है आप दोनों लोग का जी। तो के अग्रवाल जी, आपकी जो उम्र है, जो आपका अनुभव है, वो कहीं ना कहीं आज की युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण सीख कही जा सकती है। हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके उसी अनुभव से और जानना चाहेंगे कि जो भारतीय कृषक है, आपने एक लंबा समय गुजरा हुआ है इस भारत देश में, आपने उस दौर को भी देखा होगा जब भारत में आपातकाल लगा हुआ था और उसके बाद किस तरह से भारत के कृषकों ने देश को स्वाभिमान से जो तो सर को ऊपर उठाया। और कहीं ना कहीं अगर दो महत्वपूर्ण तबकों की बात करते हैं तो सेना देश की सीमा पर रक्षा करती है और कृषक जो देश के भीतर दिन रात मेहनत करके, खेतों में रह करके मेहनत करके, एक तरीके से सेना की तरीके से वो भी देश की सुरक्षा करती है, एक पेट के भीतर की सुरक्षा करती है, एक पेट के बाहर की सुरक्षा करती है। तो क्या बदलाव आपने देखा किसानों के जीवन को लेकर के और क्या चीज़ें हैं जो अब भी निराश करती हैं किसान को? सबसे पहले तो मैं आपके खा चैनल का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग कम से कम एक बड़े तबके की इतनी चिंता करते हैं। मैं विगत 40 वर्षों से किसानों के काम में लगा हुआ हूं, उनकी सेवा जो बन पड़ती है मैं कर रहा हूं और कई महत्वपूर्ण पदों पर दिल्ली, भोपाल, सब जगह मैंने किसानों के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। और निश्चित रूप से ये अब ऐसा युवा वर्ग अब आगे सक्रिय होने जा रहा है। विगत 40 वर्षों में जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है उससे ये सब निचोड़ निकल कर के आया है कि आज अगर हमको किसानों के लिए कोई बात करनी है और किसानों के लिए कोई संघर्ष करना है या किसानों के लिए जूझना है तो युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य के तहत हम जबलपुर ज़िले में एक अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं, एक किसान सेवा सेना का गठन हमने किया है जिसमें 50 साल से नीचे के जो युवक कृषक हैं वो अपना इसमें सहयोग दे रहे हैं, वे अब आगे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अब उनके हाथ में उनके नेतृत्व की कमान भी स्वयं वो उठाने को अब तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। और अब हम एक अग्रिमी पंक्ति पे खड़े होने के कगार में हैं। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ेंगे, जब तक हमारी तरफ न शासन का न प्रशासन का जो रुख है वो हमारे तरफ मुड़ेगा नहीं। तो इस रुख को मोड़ने के लिए अब हमें युवाओं को जागृत करने की आवश्यकता है और उसी मुहिम में आज हम सब लोग जो है जुट रहे हैं। धीरे धीरे ये आवाज़ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और किसान सेवा सेना जो था तो एक अभिनव प्रयोग कहा जा सकता है, इसके लिए आपने चयन प्रतियोगिता आयोजित की, चयन प्रक्रिया हुई
उसके पश्चात जो फॉर्म सबमिट हुए, आवेदन जो आए थे, उसमें से साक्षात्कार के पश्चात शायद कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा अवगत कराने का। ये विगत एक वर्ष की प्रक्रिया है जी। इसमें हमारे सहयोगियों ने पूरे ज़िले में हर एक तहसील से काफ़ी लोगों को 25-25, 30-30, 40-40 लोगों को प्रेरित किया और उन्हें इस के लिए प्रेरित करते हुए उनको समझाइश दी कि हमको किसानों को, नवयुवकों को कैसे जुड़ना है और उनके क्या दायित्व होंगे और उनको क्या करना पड़ेगा। इस तरह से उनके जो आवेदन हैं वो हम लोगों ने पहले इकट्ठे किए और विगत 5-6 महीनों में हमने उनके साक्षात्कार के साथ, उनको संकल्प शक्ति के साथ में जोड़ने का प्रयास किया है कि वो संघर्ष के लिए अपना निस्वार्थ सेवा हमको दें। तो इसमें काफ़ी हमें समय लगा और अभी हमने जबलपुर ज़िले में 261 किसान भाइयों का चयन किया है, पंजीकृत सदस्य उनको हमने बनाया है और उनको शपथ भी दिलाई है कि वो किसानों के संघर्ष में, किसानों के साथ उनके विकास में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करें। और अब उनके प्रशिक्षण का भी हम लोग कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और महीने में 2 बार उनका प्रशिक्षण होगा, किसानों को कैसे जागृत करना है, किसानों के बहुमुखी विकास में उनके साथ में कैसे काम करना है, गाँव में कृषि तकनीकी कैसे फैले, गाँव की जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं वो मैदानी स्तर पर लागू कैसे हों और उनका लाभ हमारे जो मैदान नीचे तबके के किसान हैं उनको कैसे मिले, इसके लिए हम उनको अब साक्षर, उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने जा रहे हैं। और अब हमारी कुछ जागरूकता अभियान के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले अभी कुंडम में हमने जागरूकता अभियान के लिए एक रैली निकाली, काफ़ी भव्य समारोह था, वो एक संगम था किसानों का, एक कुंभ था। अभी इसी तरह से हमारे कल जो है पनागर में भी एक कुंभ हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, रैली निकलेगी, पूरे पनागर क्षेत्र के किसान ट्रैक्टर के साथ में वहाँ पर उपस्थित होंगे और इसी प्रकार से पूरे 7 तहसीलों में हम रैलियों का आयोजन करने जा रहे हैं और जून के आखिरी सप्ताह में एक महाकुंभ, महारैली का आयोजन हम जबलपुर में करेंगे, जिससे कि पूरे जबलपुर ज़िले के किसान पूरे देश के किसानों को संदेश दे सकें कि अब हम किसान जागरूक हो गए हैं और हम अपने अधिकारियों के प्रति भी सजग हैं और हम संघर्ष के लिए हर तरह से तैयार हैं। कोई भी सरकारें आएं, अभी मध्य प्रदेश में जैसे कि आपने कहा कि अभी सियासी भूचाल आया हुआ है, निश्चित रूप से भूचाल है, परंतु मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी सरकार आए, किसान उसकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा, हम वजूद ऐसा बनाएं, हम अपना अस्तित्व ऐसा बनाएं कि हम उनकी प्राथमिकता में कैसे आ पाएँ। जब तक हम सरकारों की प्राथमिकता में नहीं आएंगे, जब तक हमारी सुनी नहीं जाएगी, हमारा सम्मान कहीं नहीं है, हमारा स्वाभिमान कहीं नहीं है, हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही है, तो हमें तो अभी अपने वजूद की चिंता है, हमें अपने अस्तित्व की चिंता है। हम अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए सारा कुछ जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, हम अपने वजूद को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। सरकारें कोई भी आएँ, हम चाहते हैं कि वो किसान प्राथमिकता में हो, चाहे वो बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई आए, अभी किसी के भी प्राथमिकता में हम नहीं रहे हैं, हम उनकी प्राथमिकता में आना चाहते हैं, ये हमारा मुख्य मोटो है, मुख्य उद्देश्य है। और जैसा कि किसी संगठन को बनाने के पीछे का एक मूल कारण होता है एकता का निर्माण करना, लेकिन जो आपके संगठन का नाम है किसान सेवा सेना, एक तरफ सेवा है दूसरी तरफ सेना है, तो यहाँ पर एकता से मतलब कोई भी संगठन अगर हम देखते हैं तो अध्यापक संगठन होता है, एकता संगठन होता है, अखंडता संगठन बनाए जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नाम क्यों चुना किसान सेवा सेना? सेवा है, सेना है, किसान है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हम आपकी तारीफ करना चाहेंगे इस मामले में। निश्चित रूप से किसान सेना और उसको सेवा के साथ में सेना को जोड़ना एक बहुत बड़ा काम था। ये हमारे सारे साथियों के और सबके अनुभवों के आधार पर हम लोगों ने उसमें सेवा का भी भाव जोड़ा है। और ये सेना केवल हम लड़ाई लड़ने के लिए नहीं स्थापित कर रहे हैं, हमारा इसमें सेवा का भाव भी जुड़ा हुआ है। इसमें हम सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति के भी जो कार्यक्रम हैं वो हम गांव-गांव में संचालित करेंगे इन्हीं के माध्यम से, और सबके सुख दुख में ये खड़े हों,
सबके सुख दुख के भागीदार बने और उनके साथ में मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके उनकी उन्नति और अपने गांव की उन्नति कैसे करें, श्रमदान के माध्यम से हो, चाहे उनके सहभागिता से हो, चाहे साथ साथ में मिल करके हो, सरकार की सहायता के साथ में हो, निजी और प्राइवेट जो है और शासन के साथ में मिल करके हम कैसे योजनाओं को चलाएं, कार्यक्रमों को चलाएं, ताकि वो अपना भी उत्थान कर सकें और साथ साथ में अपने गांव वालों का कर सकें, आजू बाजू के लोगों का कर सकें और उस क्षेत्र का कर सकें। ये सेवा की भावना के साथ हमने ये सेना बनाई है, तो इसका बड़ा दोहरा अर्थ है। हम सैनिक के रूप में लड़ेंगे भी और सेवा के रूप में समर्पित भी होंगे। मतलब अपने अधिकारों के लिए सेना की तरीके से लड़ना है और दूसरों के अधिकारों के लिए सेवा की तरीके से सेवा भाव है। बिल्कुल आपने सही कहा। सेना का जब आप आपदा आती है तो आपने देखा होगा कि सेना किस तरह से हमारा सहयोग करती है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे और दूसरी विवश स्थितियां हो, तो सेना का जो भाव रहता है वही हमारे किसानों की जो सेना है इसका भी भाव वही है। जब भी हम कहीं मुसीबत में हों तो हम एक दूसरे का साथ दें और कंधे से कंधा मिला करके उनको हम उनके साथ में खड़े हों, ये हमारा मकसद है। अगला सवाल जितेंद्र जी मेरा आपसे है, आप एक युवा हैं और कृषक भी हैं, वर्तमान समय की अगर बात करें तो फसलें उत्पादन की जा सकती हैं, हाइब्रिड प्रजाति आ चुकी हैं और उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि की जा चुकी है, लेकिन जिस दौर को हम देख रहे हैं तो शायद आज से 10 साल बाद फसलें तो उत्पादन की जा सकेंगी लेकिन किसानों का उत्पादन पूर्णतया खत्म होने वाला है और उसके पीछे का मूल कारण यह है कि कृषि को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाना। वर्तमान समय में जब हम कृषक के भाव को अपने आँखों के सामने लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक फटी हुई ज़मीन होती है, माथे से टपकता पसीना होता है और फटी हुई बनियान होती है, मतलब एक बेबसी का चेहरा हमारे सामने होता है। और इस स्थिति को देखकर कहीं ना कहीं युवाओं को कृषक समाज के द्वारा एक कृषक कृत्य के लिए निराशा हासिल लगती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें, आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं और जो छवि आपने जो अभी वर्णन की है, किसान सेवा सेना का मुख्य उद्देश्य इसी छवि को बदलना है जी। हमारा किसान अब वो फटेहाल नहीं रहेगा। आपने यदि देखा होगा जैसे 31 जनवरी को किसान सेवा सेना का स्थापना का कार्यक्रम रखा था तो आपने देखा होगा कि हमने कितनी भव्यता के साथ वो कार्यक्रम किया जी। वो कार्यक्रम भव्यता के साथ करने का यही उद्देश्य था कि अब जो किसान कि जो जैसे ही किसान हुआ तो एक कल्पना करने लगते हैं कि यार फटा हुआ, बीमारियां पड़ी हुई चेहरे में, झोइयां, ये बंडी पहनी हुई, तो ये सारी चीज़ें ये हम बदलना चाहते हैं। अभी जो जहोजद की बात आती है, अधिकारियों से हमें लड़ना पड़ता है, शासन प्रशासन से लड़ना पड़ता है, जैसे कि अभी दादाजी ने भी कहा कि सरकारें किसी की भी नहीं हों, किसान प्राथमिकता में नहीं है। उसका कारण यही है कि किसान का जो एक जो ना परसेप्शन बना हुआ है वो बेचारे का बना है, साथ साथ वो संघर्षशील नहीं है। वो खेत में तो मेहनत कर लेगा, खेत में जी तोड़ मेहनत करेगा सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन जब उस मेहनत का उसको फल लेने की बारी आएगी, वो प्रशासन की नीतियां उसके विरुद्ध रहेंगी, तब वो नहीं खड़ा हो पाता। तो हमें उनको खड़े करने के लिए भी कि आप खेत में तो लड़ ही रहे हैं, साथ साथ अब खेत की लड़ाई, हम लोग कहते हैं कि खेत की लड़ाई सड़क पर आई, अब हमें अपने खेत में लड़ के सड़क पर भी लड़ना शुरू करना होगा। हमें उन अधिकारियों उन कर्मचारियों के व्यवहार से भी लड़ना है। किसान का आया नहीं कि वो समझते हैं ये दोयम दर्जे का व्यक्ति है, जिस जैसे अंग्रेजों के ज़माने में होता था ना कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वैसा ही कुछ आज किसान के लिए है कि किसान आए नहीं बोले कहाँ से आ गया यार, कहाँ से, मतलब सिरदर्द आ गया किसान का नाम सुनते ही, और वो ऐसा सोच पाते हैं। उसका कारण यही है कि किसान अभी संगठित उस दृश्य में नहीं हुआ है। तो यही हमारा प्रयास है कि हम किसान को संगठित करें, जागरूक करें और किसानी में ग्लैमरस ऐड करें। और हमारे जो उद्देश्यों में यह है कि हम किसानों अपने जो किसान भाई उनको खेत विजिट कराएंगे, जो अच्छे मतलब जैसे हाइब्रिड बीज आदि की आपने बात की, जो अलग तरह की खेती कर रहे हैं वैसे किसानों के पास हम उनके उनको ले जाएंगे,
उन किसानों का ज्ञान हम अन्य किसानों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ये हमारी कोशिश है। और देश भर में कोरोना इन दिनों फैला हुआ है, देश के साथ साथ दुनिया के 128-130 देशों तक इसकी पहुंच हो चुकी है। आप स्वदेशी आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं राजीव दीक्षित जी के, और कहीं ना कहीं अगर भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय विचारधारा की बात करते हैं, तो ये समस्त प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने लायक है। और इसी विशेषता की वजह से भारतीय संस्कृत, भारतीय परिदृश्य को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। तो वर्तमान समय में जो हमारी व्यवहारिकता है उसकी कोरोना वायरस को लेकर के क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखें, जैसा कि आपने राजीव दीक्षित जी के बारे में बात की, यदि आप उनको यूट्यूब पर सुनेंगे तो इन बीमारियों से संबंधित एक उनका वीडियो है जी। आप देखेंगे कि हर साल कोई ना कोई नया वायरस आता है जी। वायरस जन्म लेता है कि उसको जन्मा जाता है जी। उसको लाया जाता है एग्जिस्टेंस में, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का एक ही जवाब है कि वायरस को उत्पन्न किया जाता है जी। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा माफिया इसके पीछे काम करता है। आप अगर साल दर साल देखें, ना चिकनगुनिया आया, आपके बहुत सारे इसके पहले भी आए, आपका क्या बोलते हैं, डेंगू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, ऐसी ये आप देखिए हर साल। आप कोई ये नहीं है, आप हर एक दो साल में एक नया नई बीमारी आप देखेंगे। और अगर हम इतिहास में जाएं तो हमें गिनी चुनी दो चार बीमारियां ही मिलेंगी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये बीमारियां ईजाद की जा रही हैं, ये अब व्यापार हो गया है। और रही बात कोरोना वायरस की, देश दुनिया में इतनी सारी मौतें हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, क्योंकि वो वायरस है, वो तो शरीर पे संक्रमण फैला रहा, अटैक कर रहा, नुकसान कर रहा है। हमारे देश की यदि हम बात करें तो जो हमारी संस्कृति रही है जी। वो संस्कृति का अगर हम शुरू से पालन करते रहते हैं जी। तो आज भी जैसे कि अभी कम हमारे देश में कोरोना के कम मामले आए हैं और अन्य देशों की तुलना में, और आगे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बढ़ेंगे। कारण यही है कि हमारी जो सभ्यता, जो संस्कृति रही है जी। उसके चलते हमने हाथ में हमारी प्रथा हाथ जोड़ने की, नमस्कार करने की थी। तो ये आज आप देखेंगे कि अगर आप देखें न्यूज़ चैनलों आदि में कि भाई बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष नमस्ते करने लगे जी। वो हाथ मिलाना बंद, क्योंकि देखिए हाथ मिलाना से वो वायरस एक से दूसरे में जा रहा है। अगर आप पीछे जाके देखें कि हमारी दादी मम्मी लोग घर के बाहर एक बाल्टी में पानी भर के रखा करती थी, और अगर आपने कहीं से आए हैं तो आपको जूते बाहर उतारना, पैर हाथ धो के ही अंदर जाना, सैनिटाइजेशन, देखिए ये सैनिटाइजेशन है जो आज हम ये सैनिटाइजेशन खरीद के हाथ धो रहे हैं, फला कर रहे हैं, ढेका कर रहे हैं। आप देखेंगे मास्क की बिक्री बढ़ रही है, तो मास्क का देखिए क्या काम है कि दूसरे जो भी वायरस है वो हमारे नाक से शरीर में ना जाए। तो उसके और अन्य भी उपाय हैं, जैसे कि हमने अभी एक हमारे साथियों ने एक नारा भी बनाया है कि मास्क नहीं तो गमछा, और सैनिटाइजेशन नहीं तो साबुन। मतलब भाई हम क्यों महंगी चीज़ों के पीछे जाएं? गमछा से भी अगर हम तीन चार परत में अपने मुंह को ढक लेंगे तो वो मास्क से ज़्यादा हमारी सुरक्षा करेगा जी। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि हम अपनी संस्कृति के हिसाब से, हमारी संस्कृति इतनी समृद्धशाली रही है कि हर नई पैथी पंचगव्य की पैथी आई है, जिसमें गाय माता के पंचगव्यों से उसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इन पैथियों का आप यूज़ करें और इनसे कोरोना वायरस या जो भी अन्य वायरस, उनसे लड़ने की आप लड़ सकते हैं। और अपने में ऐसी अगर हम अपना दिनचर्या अच्छे से रखें तो आपको बीमारी नहीं होगी। मैं कुछ एक नुस्खे बताना चाहूँगा कि अपना रेजिस्टेंस पावर आप कैसे बढ़ाएं। मान लीजिए कोई बच्चा या हमें आप कोई भी बड़ा बूढ़ा छोटा बीमार पड़ता है तो मतलब रेजिस्टेंस पावर उसका कम है, इम्यूनिटी जो है ना, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है। तो आप सिंपल से क्या करिएगा, सुबह उठें, गुनगुना पानी लें, एक चुटकी उसमें आप हल्दी डालें और आप उसको नियमित लीजिए, आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छोटे बड़े बूढ़े सबकी बढ़ेगी। आपको मान लीजिए आपको लीवर में प्रॉब्लम है ना, फैटी लीवर, फला ढिका बहुत सारी, और उसको क्लीन करना है तो बहुत ही सरल सा एक नुस्खा है, सुबह आप पानी गुनगुना करिए, उसमें आधा नींबू निचोड़िए और एक चम्मच उसमें आप हल्दी डाल के पीजिए, एक हफ्ते में आपका जो लीवर वो क्लीन हो जाएगा।
तो ऐसे बहुत सारे नुस्खे हमारी दादी के नानी के नुस्खे हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन अब ये दौर आएगा, हम देख रहे हैं ये दौर आएगा और आने भी लगा है जी। और कहीं ना कहीं WHO ने भी ये कहा है कि अभी तक जिन लोगों को भी कोरोना वायरस हुआ है तो उनमें से एक भी पीड़ित जो है तो शाकाहारी नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब है कि शाकाहारी व्यक्तियों को कोरोना वायरस कहीं ना कहीं दूर से ही जो तो नमस्कार करके जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, हमारी जो मान्यता, हम मानते हैं कि पाप और पुण्य, यदि आप जीव की हत्या करेंगे तो आपको पाप तो लगेगा ही लगेगा, और हमारे धर्म हमारी संस्कृति में तो चाहे हम हर चीज़ को पूजते हैं जी, पेड़ हो, जल हो, नदी हो, इवन आप अगर हम देखें हम मतलब सांप अगर हमें काट दे तो हम मर जाएं लेकिन फिर भी हम सांप को दूध पिलाते हैं। मतलब हमारी जो संस्कृति रही है वो इको मतलब नेचर फ्रेंडली रही है। हम नेचर से जितना छेड़छाड़, हम प्रकृति से जितना छेड़छाड़ करेंगे उसके दुष्परिणाम उतने ही खतरनाक होंगे, और ये सभी नेचर से छेड़छाड़ के दुष्परिणाम ही हैं जी। उनको हो रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है, अब जीव हत्या आप करेंगे, अब जो जीव मान लीजिए आपने चिकन खाया तो चिकन क्या क्या खा रहा आपने, तो जो वो खा रहा है उसके वो चीज़ें आपके शरीर में जब आप उसको खा रहे हैं तो आ रही हैं जी। फ्लू भी फैला था, वर्ल्ड फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू, ये कैसे फैल रहे हैं इन्हीं से तो जी। और एक युवा जो होता है उसके पास दो पीढ़ियों का अनुभव होता है, पहली पीढ़ी तो उसके बड़े लोग का, वरिष्ठ जनों का जो अनुभव वो ग्रहण करता है उनसे बातचीत करके, उनके साथ रह करके या उनसे शिक्षा लेकर के, दूसरा अनुभव वो होता है जो युवा स्वयं अपने जीवन में अर्जित करता है। और युवा ही एक ऐसा महत्वपूर्ण वर्ग कहा जा सकता है जो समस्त प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित होता है, चाहे वो नकारात्मक परिस्थितियाँ हों या सकारात्मक परिस्थितियाँ हों। वर्तमान समय में जो मध्य प्रदेश का राजनैतिक परिदृश्य है लगातार पल पल बदल रहा है, इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कुछ विधायकों को बेंगलोर में ठहराया गया, उसके बाद BJP अपने विधायकों को लेकर हरियाणा चली जाती है, फिर कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर के जयपुर चली जाती है। एक कहावत है हमारे यहाँ कि जर जोरू और ज़मीन, इन तीनों को छुपा के रखना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही हैं कि विधायकों को ज़्यादा छुपा करके रखा जाने लगा है। तो भारतीय लोकतंत्र के लिए या एक मतदाता के तौर पर जो ये स्थितियाँ निर्मित की जा रही हैं राजनैतिक दलों के द्वारा, घटक दलों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, ये कहाँ तक सही कही जा सकती हैं और इसके दुष्परिणाम क्या हैं? देखें, अब मैं कानून का उतना जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ इस आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग तक पहुँचाना चाहूँगा कि देखिए, संविधान में पार्टी जैसा शब्द जी नहीं है जी। पार्टियाँ अपने आप में ये अवैधानिक हैं जी, पार्टी जैसा वो नहीं है। विधायक हम चुनते हैं जी, फिर विधायक अपना विधायक दल का नेता चुनता है, लेकिन यहाँ होता क्या उल्टा जी। पहले से ही पता है कि अगर ये लोग जीते तो ये मुख्यमंत्री, ठीक है ना। और दूसरी बात जो आपने अभी सवाल किए, उठा पटक विधायकों को छुपा के रखना पड़ रहा, तो देखिए ये पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि पहले भी आपको दादाजी ने बताया कि हम राजनीतिक टीका टिप्पणी से दूर रहते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है जी, राजनीति में अनैतिकता तो रहती है जी, दिखती नहीं जी, लेकिन अब वो अनैतिकता दिखने भी लगी है, और जो हो रहा है सरकार किसी के भी बने बिगड़े, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक युवा के उससे मैं, क्योंकि मैं भविष्य देख रहा हूँ, भविष्य अगर आज का वर्तमान हमारा ऐसा है तो भविष्य की हम और कल्पना कर सकते हैं, उसके दुष्परिणाम और क्या हो सकते हैं हम देख सकते हैं, है ना। ये हम अभी से कल्पना इस बात की लगा सकते हैं जी। और दो पीढ़ियों का अनुभव की आपने बात की, तो देखिए हमारे साथ दादाजी बैठे हैं और हम युवाओं में एक चीज़ ये चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए कि देखिए क्या आज अभी आधुनिकता का युग है, हम किताबें पढ़ लेते हैं तो जानकारी तो हम हासिल कर लेते हैं जी, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता है, और वो ज्ञान हमें हमारे बुज़ुर्गों से मिलेगा। किताब पढ़ के आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो ज्ञान लेकिन हमें लेने के लिए हमारे बुज़ुर्गों की छत्र छाया, उनका आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए। और किसान सेवा सेना संगठन जी,
आप देखेंगे कि भाई इसमें हमारे बुज़ुर्गों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। युवा अपनी ऊर्जा, युवा हैं, दौड़ धूप कर सकते हैं, लगा रहे हैं, जितना वो सोच सक रहे हैं उतना अपने विचार रख रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, लेकिन हम युवा आगे कदम तभी बढ़ा रहे हैं जब हमारे बुज़ुर्गों का अनुभव उसमें जुड़ जाता है और फिर जो उससे परिणाम निकलता है उस निर्णय उस परिणाम के आधार पर फिर हम आगे कदम बढ़ाते हैं। और अभी तक हमने देखा कि उसमें सफलता हम लोगों को मिली और आगे भी ऐसा हमारे बड़ों का सानिध्य बना रहेगा, आशीर्वाद, तो आगे सफलता मिलती रहेगी। अगला सवाल मेरा आपसे ही है। आपने पहले ही कहा है कि राजनीतिक टीका टिप्पणी से आप बचते हैं, लेकिन उसके पश्चात मैं आपके अनुभव के आधार पर जानना चाहूँगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब आपने पहली बार मतदान किया रहा होगा तब इंदिरा गांधी जी का समय रहा होगा और इंदिरा गांधी जी के समय में ही आपातकाल भी रहा, तो आपातकाल एक कह सकते हैं कि लोकतंत्र के काले समय के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में जो नेताओं का विपक्ष के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप की भाषा शैली होती है उस दौर में भी शायद ऐसी नहीं रही, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो इस बारे में आपके अनुभव जानना चाहेंगे कि मतलब उस दौरान अपने विपक्षी दलों के साथ किस तरीके से शब्दावली का प्रयोग किया जाता था, वर्तमान में क्या बदलाव आप देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा जी। मैंने आपातकाल का वो समय देखा है और उस वक़्त में जो स्थितियाँ थीं आज की स्थितियाँ लगभग लगभग वैसे ही हैं। कोई चेंज अगर केवल ये है कि इसका दिखावा अभी नहीं हो रहा है, उस वक़्त दिखावा हुआ था। दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे कि हमारे युवा साथी ने कहा आपको, कि प्रजातंत्र में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रजातंत्र के प्रति मोह लोगों का या प्रजातंत्र के प्रति जो विश्वास लोगों का है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। हमने ये कल्पना नहीं की थी जब हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई थी कि हमारा प्रजातंत्र इस ढंग से भी चलेगा, और अब लोगों को जो नए युवा हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि अगर ऐसा ही प्रजातंत्र हमारे देश में चलेगा तो इसका भविष्य क्या होगा। ये अभी युवाओं ने आपको अपनी पीड़ा बताई भी है, हमको भी इस बात की चिंता है, और ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी राजनीति इतनी दूषित होती चली जा रही है, इतनी दूषित होती चली जा रही है कि अब हमको तो लगता है, अभी बीच में वोट का परसेंटेज बढ़ गया था, आपको पता है कि पहले तो 25-30% 40% वोटिंग होती थी, फिर इसके बाद 60-70 तक वोटिंग परसेंटेज पहुंच गया, पर मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर हम पुरानी स्थिति में पहुँच जाएंगे कि हमारे लोग घर से बाहर निकलने में ये सोचेंगे कि यार वोट करना किसको, हमने तो जिताया था कांग्रेस को, बीजेपी ने उसको खरीद लिया, हमारे लोग बिक जाएंगे खरीदने में, तो अब हम वोट किसको करें। अब बीजेपी वाले कहेंगे कि साहब कांग्रेस वालों ने ऐसा किया, तो हमारा तो जो मतदाता है वो भ्रमित है कि अगर हम वोट करेंगे तो उसका विश्वास कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, अब तो उसका विश्वास भी कायम नहीं रहा, उसने दिया वोट कांग्रेस को है, लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी को वोट किया है लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, और हमारे साथी ने अभी कहा हमारे संविधान में कोई ये जैसे ग्राम पंचायतों में चुनाव होता है, जनपद पंचायतों में चुनाव होता है, वहाँ कोई पार्टी नहीं होती है, वहाँ तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ऐसे ही खुला होना चाहिए संसद में भी बहुमत के आधार पर, काहे का व्हिप, अगर आप व्हिप जारी करके और उनको बांध रहे हैं कोई डिसीजन लेने के लिए उनको आप रोक रहे हैं तो ये तो प्रजातंत्र की हत्या है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपना संविधान बनाया है उसमें कोई इस तरह का पार्टी का और इसका उसका ये सब नहीं, उन्होंने तो भाई बहुमत आप छोड़ दीजिए, बहुमत के आधार पर जो निर्णय होगा वो जनता का निर्णय माना जाएगा, ये तो आप उनको कंपेल कर रहे हैं कि आपको जो मैं कह रहा हूँ वो आपको वहाँ पर करना है, हम जिसको कह रहे हैं उसको वोट करना है, तो आप अपने आप में स्वतंत्र कहाँ हैं। तो ये राजनीति में परिवर्तन बहुत दुखद है और हम सब लोगों को इसका विरोध करना चाहिए जैसे भी हो, और ये प्रजातंत्र के लिए हमारे लिए सबके लिए बड़ा खतरा है। और जैसा कि वर्तमान समय में हो रहा है, हालांकि ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मतदाता के तौर पर, एक युवा के तौर पर, एक वरिष्ठ व्यक्ति के तौर पर, हर व्यक्ति को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आखिर विधायक जो है तो प्रदेश छोड़कर के बाहर क्यों चले जाते हैं, फिर वापस क्यों नहीं आते हैं, या फिर ऐसी गतिविधियां क्यों होती हैं। तो भले ही जो है तो सबके सामने कैमरे के सामने खरीद फरोख्त या फिर जो तो हार्श ट्रेडिंग की बात ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदेशा और अंदेशा विश्वास की हद तक होता है।
तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी विडंबना है जी। कि जिनको उन्होंने टिकट दिया जी, जिनको ऊपर उन्होंने विश्वास किया जी, और उनको मैदान में उतारा जी, और उन्हीं विधायकों के ऊपर उनको शंका हो रही है जी, उन्हीं विधायकों को उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये हमारे खिलाफ में ना चले जाएं, ठोक बजा करके उनको मैदान में उतारते, उनकी आस्था इतने सालों से आपसे जुड़ी हुई होती है, तब तो आप उन्हें टिकट दे करके और मैदान में उतारते हैं और उनको कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो, और जब वो चुनाव लड़ करके आते हैं और उनको आप खरीद फरोख्त के डर से उनको बंधक बना के रखते हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, बंधक दोनों बना रहे हैं, तो ये एक बड़ी विडंबना है। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अपसम्मान को कितनी ठेस पहुंचनी चाहिए और पहुंच क्यों नहीं रही है, इसी बात की चिंता मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए उन्होंने राजनीति का अगर एक माध्यम चुना है तो उन्हें वास्तव में समाज सेवा के लिए काम करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि खरीद फरोख्त, कोई कह रहा 35 करोड़, कोई कह रहा 40 करोड़, तो इस तरह का अगर हम अपने आप को बोली लगा करके और अपने आप को बेचना शुरू कर देंगे तो ये प्रजातंत्र की बहुत बड़ी हत्या है, छोटी मोटी हत्या नहीं, बहुत बड़ी हत्या है। और इस हत्या, ये हमारा देश का एक एक मतदाता इसको जो है बड़े गंभीरता से देख रहा है, समझ रहा है, और मेरे को लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है आगे के समय में। हमारा युवा जागेगा और वो इस प्रजातंत्र को, जिसकी कल्पना हमने की थी कि वो प्रजातंत्र हमें हासिल हो, उस प्रजातंत्र की उसके वजूद को कायम रखने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा जी। और देश ने आज़ादी का एक बड़ा आंदोलन भी देखा, जेपी आंदोलन भी देखा, अन्ना आंदोलन भी देखा, जब सरकार बदल जाती है, लेकिन वर्तमान समय का जो परिदृश्य है और जिस तरीके से सरकारें चल रही, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी को हो, या फिर अन्य किसी तीसरे दल की, यहाँ पर बात दलों की नहीं है, यहाँ पर दलों में बने हुए दलदल की बात है। तो आखिर कब तक ऐसा चलेगा और कब युवा जागृत होगा, इस बारे में आपका क्या अनुभव कहता है जो आपने अभी तक किए 40-50 वर्षों का समय देखा हुआ है? देखिए, राजनीति बहुत ज़्यादा दूषित हो गई है और ये दुष्टता इतनी ज़्यादा फैल गई है, जैसे अभी आपने कहा ना कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बड़ा वायरस है और इससे निपटने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो आज़ादी के आंदोलन के समय में हम लोगों ने आंदोलन किए हैं और अपनी लड़ाई लड़ करके हमने आज़ादी ली है, उसी तरह से प्रजातंत्र को बचाने के लिए भी हमें एक लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी और ये करना पड़ेगा जी। आप लोगों ने सारे के सारे मुद्दों को, विशेष तौर पर कोरोना वायरस की बात हो, मध्य प्रदेश की सियासी हलचल की बात हो, या फिर किसानों के मुद्दे की बात हो, आपके संगठन के द्वारा भी ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अभी पूर्व में आपने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर भी आप लोगों ने किसानों को पहले से अवगत कराया हुआ है कि अपने तरफ से सावधानी बरतने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर के बड़ी ही बेबाकी के साथ, और आपने विशेष तौर पर पूरे अपने अनुभव को जो हमारे सामने साझा किया, इसके लिए खबरदार न्यूज़ आप दोनों लोग का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता है। खबरदार न्यूज़ जो है उसके आभारी हैं कि कम से कम आप जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोगों की बात जनता तक पहुंचा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम आप कर रहे हैं, तो ये पुण्य का काम आप जारी रखें, हमारी शुभकामनाएँ हैं, खूब बधाई है, खूब आशीर्वाद है। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।